जो खूबसूरत आप लोग को नया नया रोड बनाया हुआ दिखाई दे रहा है, क्यों बनाया गया है इसको मैं जस्ट आप लोग को बता, ये खूबसूरत आप लोग दृश्य देख सकते हैं इधर कितना ज़बरदस्त यहाँ का लुक है। और मैं बता दूँ ये गंगा नदी के किनारे का दृश्य है जो बहुत ही खूबसूरत यहाँ का दृश्य है। इस खूबसूरत दृश्य को देखने के लिए दोस्तों मैं बता दूँ हमारे देश के माननीय जेपी नड्डा जी और आदित्यनाथ योगी जी इस रास्ते के माध्यम से, आप लोग देख सकते हैं ये गाजीपुर का मेन सिटी से लगभग 4-5 किलोमीटर हट के गंगा नदी के किनारे जो गया हुआ है वहाँ पे एक पवहारी बाबा का मंदिर है। उस पवहारी बाबा में क्या ये खास है और कितना फेमस यह मंदिर है कि गाजीपुर के एक इंडिया के एक छोटे से शहर में और एक छोटे से गांव में हमारे देश के जेपी नड्डा जी और आदित्यनाथ योगी जी आते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या उसमें खास है भाई। तो मैं भी अभी दिनों में चैनल पे आप सभी लोग का फिर से स्वागत करता हूँ। वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, क्योंकि इस छोटे से गांव में, इस छोटे से मंदिर में हमारे देश के मुख्यमंत्री क्यों आए और जेपी नड्डा जी यहाँ पे क्यों आए, यहाँ पे तो कुछ तो ऐसी बात होगी दोस्तों। तो इसको जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा और अगर आप गाजीपुर के रहने वाले हैं तो यहाँ पे एक बार जरूर आएँ और इस आश्रम का अद्भुत नज़ारा जरूर देखें दोस्तों। अगर नहीं भी आते हैं तो मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों भारतवर्ष में एक बहुत बड़े महात्मा हैं कुर्था गाजीपुर के सिद्ध संत पवहारी बाबा। तो गाइज यह है पवहारी बाबा खूबसूरत आश्रम और यहाँ पे विवेकानंद जी आए हुए थे जिसकी वजह से यह और भी पॉपुलर हो गया दोस्तों। और ये बजरंग बली का मंदिर है और अभी मैं जस्ट आप लोग को पवहारी बाबा के उस स्थान पे ले चलूँगा जहाँ पे उनकी स्थापना की गई। तो दोस्तों ये है पवहारी बाबा का सुंदर भव्य मंदिर और अभी 2-4 दिन पहले यहाँ पे श्री आदित्यनाथ योगी जी और जेपी नड्डा जी आए हुए थे। आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ का दृश्य है। स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पे आ चुके, तो आइए दोस्तों चलते हैं हम लोग थोड़ा सा अंदर और बाबा का दर्शन कर। तो गाइज आप लोग ये देख सकते हैं कितनी यहाँ पे चमक देखने को मिल रही है और ये मंदिर कितना खूबसूरत तरीके से इसको डेंटिंग पेंटिंग कर दिया गया। इसका कारण एक रीज़न ये है दोस्तों कि ये मंदिर जब ये योगी आदित्यनाथ जी और जेपी नड्डा जी यहाँ पे पधारे हैं तब जाके इसकी थोड़ी सी देखरेख की गई और खैर किसी प्रकार से कम इसको सजाया गया है, यहाँ साफ़ सफाई किया गया है। यहाँ आश्रम आप लोग देख सकते हैं, आश्रम को सजाया गया है, धर्मशाला को सजाया गया है और ये जो बगीचा आप लोग देख सकते हैं बगीचे की काफ़ी हद तक साफ़ सफाई किया गया है, डेंटिंग पेंटिंग किया गया है दोस्तों। और जो जिस रोड से हम लोग आए थे उस रोड को आप लोग देखेंगे दोस्तों कितनी चमक थी, वो रातों रात रोड बन के तैयार कर दिया गया। खैर किसी तरह भी चलिए विकास तो हुआ यहाँ के इस मंदिर का, जो रास्ता है काफ़ी उबड़ काबड़ हुआ करता था लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बना दिया गया है। गाइज आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं दोस्तों आप लोग को इसी तरह का वीडियो लाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।